के सामानों से चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध को बॉईल करके 3 चम्मच दूध में कस्टर्ड पाउडर को डाल दिया। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी को डाल करके सारे कस्टर्ड पाउडर को एक में मिला करके अच्छे से गाढ़ा बटर तैयार करके इसे मैंने फ्रिज में 6 घंटे के जमने के लिए छोड़ दी थी। यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम मैंने नहीं ली, दूध की मलाई को लेकर के ठंडा करके उसका अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। अब सारे बटर को एक में मिला करके एक ग्राइंड कर लेना और गाढ़ा बटर फिर से तैयार कर लेना। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट को मैंने डाले, ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है। इसी के साथ फिर से इसे मिला करके सारे कंटेनर में भर देना है, ऊपर से सिल्वर पेपर भी लगा देना है, चाकू के सहारे से हॉल करके सारे चम्मच को डाल देना है। यहाँ पर मैंने बिस्कुट ली हूँ चॉकलेट के लिए, बिस्कुट को अच्छे से मेल्ट कर लेना है और उसी के साथ सारा आइसक्रीम को निकाल करके यहाँ से इसे मैंने रात भर के लिए छोड़ दी थी। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं और एक एक करके सारे बिस्कुट में डुबो देना है। डुबोने के बाद इसे फिर से 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में स्टॉक करके छोड़ देना है। इसके बाद आप लोग निकाल के खाइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।